चलें चलें माशाल्लाह, अबू जान को भी दे। हर से किया है ना। कैसे हो मम्मी? ठीक हो? तबीयत ठीक है? अल्लाह की मेहरबानी। ससुराल ठीक? तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे ठीक? हां सब ठीक हो? वालेकुम अस्सलाम। अम्मी अब्बू बहन भाई सब ठीक है? जी सब ठीक है। हम भाभी जान को उधर ढूंढ रहे हैं आपके घर पे। मैं अपने घर आ गए थे ना, इसलिए क्योंकि घी को हमने अच्छे तरीके से गरम तड़का लगाया, क्योंकि ये होता है ना दूसरा घी। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, बिल्कुल सब खैरियत। अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा मामू जान के घर से हो आए। हाँ माशाल्लाह, चिकन को धोना शुरू कर दिया है। हाँ जी, चिकन धोना शुरू कर। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे बहन भाई, जहाँ भी लोग खुश रहो, आबाद रहो, हंसते और मुस्कुराते रहो, खुश रहो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, घर में बच्चे भी सब ठीक है। अब सब बहन भाई की दुआ है। तो जो हमारा चैनल पर न्यू है, वह हमारा चैनल कर लें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, अच्छे अच्छे कमेंट करें, वीडियो कॉल बात कर लें। तो माशाल्लाह दोपहर का टाइम हो चुका है, तो हम भी हाज़िर हो चुके हैं। तो अभी जो है माशाल्लाह सबा हमारे घर से आई है, ये जो इसका अबू जान भी है वो भी माशाल्लाह साथ में है। तो अबू जान की तबीयत जो है ना ख़राब हुई थी, तो इसलिए जो है ना हो नहीं आया। अबू ने कहा कि चलो हम जो है ना चलते हैं, अभी वाले की जो तबीयत खराब है ना तो पूछ आते हैं। मैंने कहा चलो, फिर इसी वजह से अबू और मैं आए थे दादा अबू की तबीयत का पता करने के लिए। सही है। जानी भी साथ है, हसन जानी भी साथ है, अहमद भी आए थे लेकिन वो किसी काम से गए हुए हैं। चलें सही है, वो भी आ जाएंगे। तो अभी मैं ले आया हूँ ये चिकन, इनको बनाओ खाओ। और ये मेरे साथ था, मैं गंदम डालने जा रोटी खा के आया हूं। तो ये बनाते तो मगरिब हो जाएगी ना, ज़्यादा लेट हो जाएगी। हेलो, मेरी गाल सुनो, ए जलेबियां घिनवावे आधा किलो, इदे यक्के को वांड दियो, ए खाओ सन मीठा मुंह करे सन। ये लो था बहो खटे तो था खुद हैं। अब क्या दी खुशी है? अब्बू दी तबीयत को सही है ना, वाला जलेबियां मीठा मुंह करा दियो वाला। की में अब्बा ठीक थी वैसी? चल ठीक है, आ जाओ बंडो यक्के कुटियो। इतना है तो यक्के को तू देना वन। हाँ, बुशरा को, अरीशा को, सुमैया को, अपनी अम्मी को देना वन। जोल शाबा। चलो तो बुशरा को देवी, मैं को दे से। हाँ। मेरा हिस्सा सुमैया को देवी, मैं कहना खाओ सा। चलो बस ठीक है। हाँ जुलो शाबाश शाबाश, वंडन शुरू कर दियो। एक एक जलेबी देना वान, एक एक चाट देना वान, बासी देना वान, या देना वान, या एक दे चा। ए ठाए वैसी बे दो या दे चा। केन बुशरा खाओ। चल सबको एक एक देते जाओ, ऐसे देते जाओ। चलो नानी को छोटी जलेबी दी है आज। नानी दे बाजी वैसी। मीठा है ना, इसलिए नहीं खाया जाता। हाँ। चलो सुमैया को भी दे दो, अरीशा को भी दे दो, फातिमा को भी दे दो। शापर को दो ना। हाँ सुमैया को दो ना। चलो मुझे तो दो, सुमैया को नहीं देते तो। सुमैया से क्या झगड़ा है आपका? अरीशा को दो, अरीशा को दो। ये मेरा हिस्सा है। पता है ना क्या, अरीशा को दे, अरीशा को दे दे, चलो दे दे, अरीशा को दे दे। इतना बड़ा गाड़ के खाओ आप। सुमैया और तुम खा लो। तो और कौन कौन रह चुके हैं? फातिमा को दिया है। हाँ, खाला को दो, बड़ी खाला को। हाँ उधर भी दे आओ। चलो ए खाद ही खड़ी है बुशरा। माशाल्लाह, चिकन को धोना शुरू कर दिया है। हाँ जी, चिकन धोना शुरू कर दिया। मैंने कहा जो मसाले काटते हैं। हाँ माशाल्लाह, चिकन धोने के बाद बनाना शुरू करेंगे।
सही है। चलो जल्दी जल्दी धो लो, तो मैं जाता हूँ लकड़ी ढूंढता हूँ। लकड़ी भी नहीं है, धुएं भी खत्म हो गए। नहीं अभी रखे हैं, फिर दिल को झलो। नहीं अभी है धुएं। हाँ अच्छा, कहाँ रखे हैं? कल देखेंगे कल, क्योंकि आज अभी आएगा अहमद फिर आपको की दवाई लेने जाना है, तो अभी ये चिकन भी बनाना है, चिकन भी बनाना है, पापा भी आए हुए हैं और दादा भी आए हैं, सुबह रोटी बना के ताकि शाम हो जाएगी ना, नहीं जा सकते ना। नहीं टाइम तो हो गया है शाम का, तो फिर कैसे जा सकते हैं? कल जाएंगे। तो अभी मैं गंदम भी डाल के अभी आया हूँ चक्की से। वो तो कल उठाएंगे ना, आज चली बनते, तो वो कल उठाएंगे ना। हाँ बुए भी कल लेंगे इंशाल्लाह, आज के तो हैं। हाँ मैं कुछ सूखी लकड़ी उधर से ढूंढ लेता हूँ। हाँ पतली पतली, आप चिकन धो लो। हाँ जी मैं धो के आ रही हूँ। आग जल चुकी है। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, दमरा मोला तैयार हो गया है। दमरा मोला तैयार है। ये क्या बन रहा है? ये जो है ना अदरक लहसुन कूट रहे हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट बनना पे, कल आज बनना पे। हाँ जी कल बनना पे, वो मसाले काट रहे हैं, ये सब पता नहीं काट लिया है जा, अभी काटने हैं। घी ऐड हो रहा है माशाल्लाह। हाँ जी बिस्मिल्लाह। ये जो पेठा साडी थी, हां ये गरीब गरीब करे नहीं पी मैं क्या। हां गरीब कामना है। चलो गरम कर गिनो, देख गिनो पूरा काट गिन तो। अच्छा ज्यादा हो जाता खांग करे ने बस ब्याह कुछ करे कहना सिर्फ तिल के सुबास्त है। पत्थर वाली कर घी उठा भाई सर्दी में वाला था ठंड है ना ठंड। आगे ये घी आदा है घर से। हां असल घी आदा है ये असल सुल्तान सुल्तान वाला वो सुल्तान है। ये मुझे नहीं, वो भी नहीं है। पेठा ऐड कर दिया है, तिड़क रहा है। मेथी की आएगी खुशबू, इसीलिए पहले पहले उसको ऐड किया है। चलो जी अभी हम प्याज ऐड करते हैं, क्योंकि घी को हमने अच्छे तरीके से गहरा तड़का लगाया है, क्योंकि ये होता है ना दूसरा घी। हाँ ये जो है ना सीने पे बच जाता है, फिर गले का मसला बन जाता है। सही है, चाहे जैसा भी घी हो ना, पहले इसका थोड़ा कम तड़का लगा दिया करें, उसके बाद जाके जो है ना फिर मसाला ऐड किया जाए। ये रोटी मखने के लिए रख दो। ये रख दिया है। ऐसे डब्बा तो फुल हो गया है ना। हाँ जी डब्बा फुल कर लिया आज। फुल कर दिया इसको ढक दे। ये 8 दिन का हो जाएगा या 3 दिन का होगा? ये 3 दिन का नहीं होगा। 2 दिन का है। ये 2 दिन का है। आपको पता है ना एक पाव हमारा एक टाइम का होता है। सही है। चार रेसिपी हमारे दू झाड़े सूखे मसाले ऐड हो रहे हैं। हाँ जी सूखे मसाले ऐड हो रहे हैं। क्या क्या? लाल मिर्ची और नमक। ये सूखे मसाले हैं आपके? ये सूखे मसाले हमारे यही हैं, क्योंकि देसी जो खाना होता है ना यही होता है। हाँ मसालों के बगैर वाला देसी खाना होता है। हरा मसाला तो पूरा होता है ना, लहसुन अदरक मेथा प्याज टमाटर धनिया, वो तो पूरे होते हैं ना, सूखे वाले तो यही होते हैं। मिसाले वाले भी बना के खा लें और ये देसी भी बना के खा लें, उनसे ज्यादा टेस्ट इनका होगा, क्योंकि आजकल जो है ना वो मिसाले ज्यादा तबीयत खराब कर देते हैं, गर्म होते हैं ना मैदे की खराबी हो जाती है। फिर हम पहले ज्यादा इस्तेमाल करते थे लेकिन अब नहीं करते, अब ज्यादा इस्तेमाल करते हैं अदरक लहसुन और वो जो है चावलों में डलती है वो चिकन की हो। हम तीन चीजों का इस्तेमाल करते हैं ज्यादा, वो दूसरे मिसाले या फिर कसूरी मेथी ले लेते हैं, थोड़ी सी भुनाई के टाइम वो डाल देते हैं बस। हम तो अपनी सुखा के रखते हैं। अभी जो है ना हरी मिलती है ना, हरी इस्तेमाल करते हैं, सूखी जो है ना रख लेते हैं। हमने कहा जब वो नहीं मिलेगी तो सूखी। चले और मेहमान भी आ गए माशाल्लाह, अल्लाह की रहमत आ रही है ना हमारे साथ। यासीन आ गया, यासीन और शहीना। हाँ वो नानू की तबीयत का पूछने आए थे ना, शहीना अच्छा, का नानू है ना। अच्छा अच्छा कैसे हो मम्मी? ठीक हो? तबीयत ठीक है? अल्लाह की मेहरबानी। तुसा सब ठीक? तबीयत ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे ठीक है? हां जी सब ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। आप सलाम कर रही हो? ठीक हो? ठीक हो?
माशाल्लाह। मैंने कहा आज जो इनको घुमाने के लिए ले जाऊं। शहीना कह रही थी मामू के घर चलो, और ये कह रही थी मेरे कजन के घर चलो, अहमद भाई के घर। पहले उनके घर गए वो तो नहीं थे, तो भाई की कॉल है, वो कह रहे थे कि हम जो है आपके उधर के हमारे ससुराल गए हुए हैं, तो फिर आपके घर का बताया, तो हमने फैसला किया, मैंने कहा चलो फिर वहीं चलते हैं। फिर मैंने मोटरसाइकिल को दौड़ाया और आपके घर आ गया। बहुत अच्छा किया, ठीक रह गए हो, बच्चे ठीक है, सब खैरियत है अल्हम्दुलिल्लाह। हम तो सब ठीक हैं और दादा अब की तबीयत है ना खराब हुई है आज माशाल्लाह को देखो। चलो अल्लाह पाक करम करेगा, दुआ करते हैं अल्लाह पाक उनको शफा अता फरमाए। और आप सुनाओ सब ठीक हो? वालेकुम अस्सलाम। अम्मी अब्बू बहन भाई सब ठीक है? जी सब ठीक है। हम भाभी जान को इधर ढूंढ रहे हैं आपके घर पे। आप इधर आ गए ना इसलिए। अच्छा जी आप इधर आ गए हो, अम्मी अब्बू के घर आना चाहिए। दो बार रास्ते में स्टे किया है क्योंकि हवा बहुत होती है, और ये रास्ता जो है ना नहर के साथ वाला बहुत खराब है, उधर जो है वो रेत वगैरह पड़ी हुई तो गाड़ी जो है बार बार इधर इधर जाने लगती है। रोक के इनको उतार के मैंने कहा अपना पैदल चलो, मैं बाइक को सीधा कर लूँ और इधर से रास्ता। बस आप ढिल्ले हो, जब हम जाते हैं ना गुहे का हम ये बोट का भी ले आए रुखसाना को भी ले आए, पूछ रहे हो इनसे जितनी रेत है ना हम मांड के रखते हैं। बस हमारे छोटे बच्चे होते हैं ना साथ, सही बात है, छोटे बच्चे भी साथ में, और जो है ना इसका रीढ़ हड्डी का मसला है ना, अच्छा इसलिए कमजोर है वो, जो है ना इतनी वजन नहीं उठा सकता। नहीं वजन मोटरसाइकिल कंधे पे थोड़ा उठाना होता है, रेस देनी पड़ती है, ये है ना मुंडे थक जाते हैं। अच्छा अच्छा सही है, इसलिए बाइक को भगाया, मैंने कहा टाइम से पहुंच जाऊं। फिर माशाला। भी इसकी माशाल्लाह हिम्मत है जो इतना सफर करके आया तो है हमारे पास। माशाल्लाह अच्छी बात है, माशाल्लाह टाइम से आ गए, खाना भी तैयार हो रहा है। हाँ हमने टाइम को पहुँच गए, हमको दोपहर का पता चला है यासीन आ रहा है, हमने खाना बनाना शुरू कर दिया है। पिछली दफा भी आप इसी टाइम पर आगे पहुँच गए थे शाम को, नसीब वाले हो, नसीब वाले हो आज, जब खाना बनता इंसान हाँ। बनाना होता है ना टाइम से बना लेते हैं और मेहमान भी टाइम से आ जाते हैं। वो कहते हैं दारे दारे भी निकालते हैं खाने वाले का। हाँ बिल्कुल, हमारा मुकद्दर जी आपके खाने के साथ शरीक था, हम आगे हैं और इंशाल्लाह आपके साथ खाना खाएंगे। इंशाल्लाह खाना बन रहा है, आप बैठो खाना भी बनाते हैं खाते हैं। किन्नु खाने हैं? किन्नु वगैरह खाने तो किन्नु ले आओ यार। नहीं खान क्या कहती है, किन्नु गर्म होते हैं। रोको रोको इसको। किन्नु आप डर से नहीं खाते क्योंकि ठंड है, ठंड से किन्नु कुछ नहीं कहते, किन्नु गर्म होते हैं। किन्नु आता क्यों है ठंड में? इसीलिए तो आता है, मौसम का बेवा है वैसे तो खाना चाहिए। वो क्या कहता है जब रिक्शे वाला भाग गया क्या? हाँ भाग गया था, फिर पकड़ लिया। चलो जेब में से पैसे निकाल लो। आपके पास पैसा नहीं थे, आपको दिया नहीं हम 50,000 आपको? नहीं 20,000 इसको दिया था। तो उसके किलो नहीं आते क्या? नहीं 20 रुपए के कुछ नहीं आता। चलो खैर, चलो 200 ले जाओ, 2 किलो ले आओ। 100 रुपए किलो देता है? हाँ चलो अच्छे मोटे लेना, पतले नहीं लेना, छोटे नहीं लेना। हाँ वो खट्टे होते हैं। बैठो आप खाड़ गए हो, ये क्या पहनो? बैठो चार पाई टोपी, ये बलोच की, बलोच की टोपी है। आप भी शहीना को दिला दो, इसको भी मैं लेके दूंगा, बहुत खूबसूरत है। इनको कूलर में से पानी पा के पिलाओ ठंडा ठंडा। पानी अब पीते हैं, पी क्या है? अच्छा पहले भाभी जान के घर गए थे ना, उधर रास्ते में पी लिया था। हाँ मुझे पता चला आप मैयदीन भाई के घर गए थे ना, उन्होंने पानी जो है पिलाया है। चलो माशाल्लाह तबीयत का पूछने आ गए यासीन। वाह जी वाह। वालेकुम सलाम। हाँ मामू जान कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, बिल्कुल सब खैरियत ठीक रह गए हो? अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा मामू जान के घर से हो आए? हाँ जुम्मे आप आते थे, आज हफ्ते आ गए। बस आज जो है बार तब्दील हो गया है, बस कर गए वो काम। ठीक हो तबीयत? ठीक है। और आप सुनो? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फिट, सब खैरियत है। हाँ बाकी सब ठीक है, अब्बू जान की तबीयत ठीक नहीं थी।
अल्लाह पाक करम करेगा इंशाल्लाह। हमें पता लगा है तो हमने कहा हम हो आए वहाँ से माशाल्लाह। पहले गए थे हम अहमद भाई के घर पे, वो तो घर पे नहीं थे, वो इधर आए हुए हैं। हाँ, तो वो अहमद भाई को कॉल के उसने कहा कि आपके घर गए हुए। सही है। मैंने फिर बाइक को वापस घुमा लिया, फिर मैंने कहा आपके घर चले, ठीक हो गया, चले बैठे, पानी शानी पीना है ठंडा ठंडा। पानी पियोगे? ठंडा नहीं यार, गरम पानी। सर्दी में गरम कहाँ से आया, ठंडा होगा, ताजा है। हम तो उधर नलके का भर के पीते हैं। हम अभी अभी भर के रखा है वाटर सप्लाई का। ठीक हो? तबीयत ठीक है? सब ठीक है। कैसा तेरे घर? भुनीज गए हैं माशाल्लाह। बेबो कलेजी दो। हाँ, बेबो को कलेजी देना। बुनाई तो कराए, कच्ची थोड़ी खा गए, कच्ची खाई तो निकाल दे। चले चले माशाल्लाह, अबू जान को भी दे। सबको देते हैं। हाँ, सबको मीठा मुंह कराओ। क्या खाती हो आप? क्या खाती? ये मटर खाएगी। वो कहते हैं चारे वाले दो मुझे। वो मटर चारे होते हैं ना। सब्जी जो है मुर्गियों ने खराब कर दी है। बस मुर्गियां भी ऐसे होती है ना, खराब करने के लिए। काफी बहन भाई कहते हैं क्योंकि मुर्गा जो है आपका अकेला, इसकी शादी करो। हम शादी की अभी जो है ना, पिछली दफा जब आपका घर आया था तो सब्जी माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी और खूबसूरत जो है ना। हाँ, ये मूलियां तो खत्म हो गई है, बड़ी हो गई है, खा गए? हाँ, मूलियां खा गया है। और उधर सरसों था साग, वो अच्छा। भी खत्म हो गया, प्याज उगा दिए हैं। मौसम खत्म हो गया ना, हमने भी घर में पकाया। बाकी जो है ये आलू खड़े हैं हमारे, ये देखो। अच्छा। आलू भी लगाए हुए हैं? आलू, ये आलू है। बुशरा क्या खा रही हो? हाँ, से किया है ना, हमारे हाथ से नहीं। नहीं, मैंने ना घर में भी दी है सबको, माशाल्लाह, पूरी फैमिली को दी है, फिर आप सबके लिए भी लेके आए हो। मैंने कहा मामू जान के लिए भी ले। सही है। माशाल्लाह, एक तो सारा भणेजा आते हैं और भणेजी जो है ना, उनका चैनल जो है ना माशाल्लाह मोनेटाइज हो गया, उनकी खुशी भी है। और दूसरी खुशी जो है इनके लिए एक सरप्राइज भेजा है बहन भाइयों ने, वॉशिंग मशीन, और ये जो है उनकी खुशी है। हाँ, इसीलिए जो है ना मिठाई बांट रहे हैं सब लोगों को। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। चलो ठीक है घंटी। ये कहाँ की मिठाई आ गई है माशाल्लाह? ये जो है ना शहीना बेटी ने सरप्राइज दिया है हमको। हमको? हाँ। क्या चीज? ये जो है ना मिठाई दी है हमको, इसका जो है ना सरप्राइज आया है बहन भाइयों के लिए। बहन भाइयों के लिए? हाँ, बहुत बड़ा सरप्राइज है शहीना का, तो अच्छा। बहन भाइयों को दिखाएगी, शेयर करेगी। अच्छा, तो अच्छा। उसकी जो है ना मिठाई खिला रही है हमको। बहन भाइयों ने सरप्राइज दिया है शहीना को। हाँ, उनकी मिठाई खिला रही है, उनकी मिठाई खिला। अच्छा, आप समझ आइए मुझे। बहन भाई तो काफी कहते हैं आप जो है ना बात करते हो माशाल्लाह अच्छी लगती है, तो आप क्यों नहीं समझते हमारी बात? तुम उल्टी करते हो। आप जो है ना अंग्रेजी घाट पढ़े हैं, कोई अंग्रेजी पढ़ लो। चले माशाल्लाह, क्या सरप्राइज दिया है बहन भाइयों ने? वॉशिंग मशीन। माशाल्लाह, बिजली है आपके घर? हाँ, बिजली है। फिर तो सहूलत हो गई कपड़े धोने की। हाँ, क्योंकि सर्दियों के मौसम है ना। हाँ, एक सहूलत मिल चुकी है, मिल चुकी है इंशाल्लाह, मिल जाएगी। ऐसा ऐसा सपोर्ट करेंगे बहन भाई आपको, और भी चीजें देंगे इंशाल्लाह, मजीद अल्लाह पाक तरक्की दे। चले बच्चों को बांट दें ये मिठाई इस खुशी में। सब बच्चे देखो आ गए मिठाई खाने के लिए माशाल्लाह। चलो बाहर जाओ, आपको मिठाई देते हैं। तुम उठ के बांटो बस। हाँ, मैं जा रही हूँ। हाँ, ना तो ये छपरे के नीचे आ रहे हैं सारे। हाँ जी, चलो बुशरा सुमैया, चलो आपको मिठाई देते हैं। मुबारक हो सही।
हाँ वाशिंग मशीन या मुबारक थी गया मजीद तरक्कियां दे हाँ जी चिकन रेडी हो गया। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुका है। अभी जो है धनिया ऐड करते हैं, धनिया ऐड करने के बाद में इंशाल्लाह उतार देंगे रोटी। माशाल्लाह जी चिकन रेडी हो चुका है। अभी इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके नीचे रख दो इनको। हाँ तो रोटी जल्दी बनाओ तो शाम हो रही है जी, मेहमान भाग ना जाए। मेहमान भागेंगे तो हम जो है ना रोटी उठा के इनके पीछे भाग जाएंगे। तो रोटी पीछे पता चलेगा मेहमानों को हम कैसे भागते हैं। हाँ। चले सही है, यहाँ पर इस वीडियो का एंड करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज, सब बहन भाई, अल्लाह हाफिज़।